मेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है, गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में इजाफे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बड़ा खुशाइंद है ये। सो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत जो इकदाम ले रही है वो सही सिम पे जा रही है। देखते हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ीद जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। पिछले एक से डेढ़ साल के दौरान जो पाकिस्तानी गारमेंट्स हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है यूरोप में, स्पेशली सो मैं स्वीडन में हूँ, सो वहाँ पर उसका इजाफा हुआ। ये देखें, आप देख सकते हैं मेड इन पाकिस्तान। सो यहाँ पर मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो मेड इन बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश से होकर आती हैं, लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव और हैरान कन चेंज है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, कि क्योंकि ये शॉप काफ़ी करीब है जहाँ पर मैं अक्सर आता रहता हूँ, यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड्स शाज़ो नादर ही दस्तियाब थी, लेकिन अभी जो है काफ़ी चीज़ें जो मेड इन पाकिस्तान है वो देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ये ब्रांड जो है, हाँ ये भी जो है ये भी है मेड इन पाकिस्तान। सो इस तरह ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं, जो ट्राउज़र्स हैं और पैंट्स हैं पाकिस्तान, ये अच्छा ये वाला ब्रांड जो है ब्लैक स्क्वाड, ये आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन म्यांमार। और ये देखें अगेन ब्लैक स्क्वाड पाकिस्तान। सो ये बहुत अच्छा लगता है कि जी हम जब आप देखते हैं यहाँ पर कि आपके मुल्क की जो मसनूआत हैं वो बाहर आ रही हैं, क्योंकि यही एक सोर्स है जिससे आपकी आपके मुल्क की जो आमदनी है और आपके मुल्क का जो की जो इकनॉमिकल सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जाती है। एक ही रास्ता है कि आप पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भेजें और यूँ पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो सकेगा। ये देखें मेड इन पाकिस्तान अगेन। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, शर्ट्स हैं,
कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई, और उस हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखकर इंसान को खुशी होती है और एक होप सामने आता है कि चलो जी हमारे मुल्क की हाल जो के जो हालात हैं इकोनॉमिकल वो किसी हद तक तो सिमत में जाने लगे हैं। सो खाना खाते हैं और फिर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ स्टॉकहोम की कुछ पूरा स्टॉकहोम नहीं दिखा सकते इस वक्त कुछ एरिया स्टॉकहोम के। सो स्टे विद अस। जी तो ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ चंद दिनों बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।